नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्य प्रदेश में भी टापुओं को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार आया था, जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इंद्रा सागर के बैकवाटर के पास स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य अनुभूत है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंधक संचालक सुश्री सोनिया मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के समन्वय से प्रदेश में और नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। हनुवंतिया में पांचवा जल महोत्सव आज से एक माह तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान साहसिक खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक एवं लोक कला से संबंधित कार्यक्रम, पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हनुवंतिया स्थित टेंट सिटी में 63 कॉटेज स्थापित किए गए हैं। हनुवंतिया में हॉट एयर बलून जैसी गतिविधियां भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए की जा रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करने हेतु जल महोत्सव का आयोजन वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी इस विशिष्ट अनूठे पर्यटन उत्सव को वर्ष 2017 में पुरस्कृत किया जा चुका है। इस वर्ष एक माह तक चलने वाले इस पंचम संस्करण में टेंट सिटी में कोविड-19 की समस्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए 7 टेंट लगाए गए हैं, जिसमें पर्यटकों की समस्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जब जाकर के ये टेंट और ये स्थान बना है। मित्रों, डैम बनने के बाद जो समस्याएं बताई थी उस पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन डैम बनने के बाद सबसे पहले आज से 15 साल हो गए होंगे मुझे, 2003-04 में जब मैं मंत्री बना तो मुझे टूरिज्म और कल्चर, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया। और उस समय जब 2003 और 2004 में मैं कहता था यहां जितने टापू हैं इन टापुओं में हम आगे पीछे पर्यटन गतिविधियां बढ़ाएंगे तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, लेकिन धीरे 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 जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से वाकिफ किया और सिंगापुर के कुछ ऐसे टापू भी हमने विजिट करवाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हनुवंतिया के लिए एक नई कार्य योजना की मंजूरी दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार करती है, जितना कर रही है काफी नुकसान है ये, लेकिन नुकसान और फायदे की बात नहीं है। मध्य प्रदेश का एक वो क्षेत्र जिसने बिजली बनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो, एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हो। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो तो आगे जाते थे लेकिन किसी और कारणों से नहीं आ पाए, उनके प्रयासों से ये तिरुधन जी जो मेरे पर्सनल मित्र नहीं है, हमारे निर्माण की शान, आज संजय महाजन तो कौन नहीं जानता, खरगोश मड़वा की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जब भी कोई गंगोल की बात आती है, जब भी कोई कल्चर की बात आती है, जब भी कोई सांस्कृतिक आयोजन की बात आती है तो लोग कहते हैं संजय महाजन को देखो कहां। तो हमारे इस निर्माण के गौरव संजय महाजन की और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली मिला भाई साहब, क्योंकि हम लोग तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक कलाकार जब भी यहाँ आयोजन होता है वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, उनका एक ही कहना है भाई साहब मैं दुनिया भर में कार्यक्रम करता हूँ और अगर मेरे जिले में और मेरे निर्माण में अगर आपने मेरा कार्यक्रम नहीं कराया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ और उनके पूरे क्लब सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे, इस आयोजन बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो और हर वर्ष की तरह और आगे दिनों दिन ये प्रस्तुति करें, इन्हीं आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम।
विजन था, फिर से एक बार एक सौगात खंडवा वासियों। देखिए माननीय मुख्यमंत्री के संदेश हम सब लोगों ने देखा, और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस छोटे से स्थान को दुनिया में फेमस करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये पांचवा जल उत्सव हमारे मुख्यमंत्री की देन है, और उन्होंने लगातार हर गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए घाटे और फायदे का नहीं सोचते हुए इस क्षेत्र के संस्कृति कला को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज संजय महाजन जी आप देख रहे हैं कि हमारे निवाड़ का गौरव नहीं मध्य प्रदेश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है, और दुनिया में जाके और हमारे कला को हमारी संस्कृति को बिखेरते हैं और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे कलाकारों को भी मैं सम्मान कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ पर रोज कोई ना कोई कलाकार का न सिर्फ सम्मान होगा बल्कि वो अपनी कला का जादू से भी आने वाले पर्यटकों का मन मोहेगा और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आप देख ही रहे हैं, जिन गतिविधियों के लिए लोगों को गोवा और विदेश जाना पड़ता था, आज गोवा और विदेश की सारी स्पोर्ट्स की गतियां लगभग यहां पर उपलब्ध हैं। ये भी कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी भी और हम सब लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे और कलाकारों से भी चाहेंगे और प्रदेश के और देश के लोगों से भी चाहेंगे कि यहाँ आएँ, हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाएं, उनकी कला का आनंद लें और इस जल महोत्सव में अपने परिवार के साथ रहते हुए छुट्टियों का आनंद लें। बहुत बहुत